बजने लगा है अब खतरनाक मिसाइलों का डंका। चीन, पाकिस्तान समेत अमेरिका भी भारत की ताकत से हो गया हैरान। भारत ने कर लिया है 12,000 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन को मार गिराने वाली मिसाइल का निर्माण। आखिर कैसे करेगा दुश्मन अपना बचाव, वो भी भारत की अपकमिंग मिसाइल से। जिस तरीके से भारत की DRDO टीम अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल पर बहुत ही सीक्रेटली काम कर रही है, आखिर कहां तक पहुंचा उस मिसाइल का निर्माण कार्य? कहां होगा भारत की अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल का परीक्षण? क्या किसी देश के पास मौजूद है भारत की इस घातक मिसाइल के मुकाबले की कोई भी मिसाइल? क्या कोई भी देश कर सकता है भारत की आने वाली मिसाइल का मुकाबला? अपनी खतरनाक अग्नि 5 के बाद अब भारत ने उस मिसाइल पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि जल्द ही भारतीय बेड़े में तैनात हो जाएगी। भारत की DRDO टीम के द्वारा डिजाइन की गई इस मिसाइल को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। यह मिसाइल भारत का एक सीक्रेट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो कि एक साथ कई देशों को भेदने के लिए तैयार किया जा रहा है। यह मिसाइल अपने साथ एक नहीं बल्कि कई हथियारों को ले जा सकती है, सभी खतरनाक क्षमताओं व एडवांस ताकतों से लैस। इस मिसाइल का नाम है सूर्या मिसाइल। सूर्य शब्द पर निर्मित यह मिसाइल सूर्य देवता को डेडिकेटेड है, जो कि सूरज की जलन और उसकी शक्तियों से पूरी तरह पूर्ण होगी। सूर्या प्रोजेक्ट भारत का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट बताया जा रहा है और इस मिसाइल के ऊपर पिछले कई सालों से बेहद ही सीक्रेटली काम भी चल रहा है, लेकिन अभी तक इस मिसाइल से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट या फिर इसके परीक्षण से रिलेटेड कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई है। लेकिन ये तय है कि इस मिसाइल को भारत में बनाकर जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल दुश्मन के विरोध में किया जाना है। तो अगर आप भी भारत की सूर्या मिसाइल के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। भारत में इस समय लगातार एक के बाद एक मिसाइल लॉन्च हो रही है। मिसाइलों से ये तय है कि भारत का लक्ष्य 2025 तक अपने बेड़े में सबसे खतरनाक मिसाइलों को तैनात करना है और दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाना है। भारत अपने सैन्य बलों का इस्तेमाल दुश्मन के विरोध में करने वाला है। भारत की सैन्य बलों की मजबूती को आज विश्व में सराहा जा रहा है। भारत चाहता है कि विश्व का बड़े से बड़ा देश भी भारत के ऊपर आंख उठाकर ना देख पाए। और अब मिसाइलों की रेस में बढ़ते हुए भारत ने अपनी सूर्या मिसाइल को बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सूर्या मिसाइल वह घातक मिसाइल है जिसके निर्माण को कई देश रोकना चाहते हैं। कई देशों को डर है कि अगर भारत ने सूर्या मिसाइल को तैयार कर लिया तो कहीं वह अपनी इस खतरनाक मिसाइल से दुश्मनों के ऊपर हमला करना शुरू न कर दे। इस मिसाइल की खासियतों से सभी देश डरने लगे हैं। इस समय भारत की DRDO टीम ने अपनी अग्नि प्राइम को बनाकर उसका सफल परीक्षण कर लिया है, जिसके बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की DRDO टीम ने सूर्या मिसाइल का डिजाइन भी तैयार कर लिया है और वह जल्द ही अपनी सूर्या मिसाइल पर काम भी शुरू करने वाली है। इस समय भारत ने 8,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल को अपने बेड़े में बनाकर तैनात कर लिया है, जिसके बाद 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाली किसी भी मिसाइल को बनाना भारत के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं रह जाएगा। इस समय रूस, पाकिस्तान और अमेरिका तक के पास कोई भी ऐसी मिसाइल नहीं है जो कि इतनी दूरी तक अपने दुश्मनों को मार सकती हो। इस समय रूस के पास अधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइल की सीमा सिर्फ 10,000 किलोमीटर तक ही है और पाकिस्तान ने भी केवल 3,000 किलोमीटर की रेंज से कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को अपने बेड़े में तैनात करके रखा हुआ है। और चीनी मिसाइलों के मुकाबले भारतीय मिसाइलों की लाइफ और उनकी शक्तियां दोगुनी होती हैं, तो उसके बारे में तो बात करना बिल्कुल ही बेकार होगा। भारत की सूर्या मिसाइल अपने साथ साथ एक बार में दो नहीं बल्कि 10 हथियारों को एक साथ लेकर दुश्मन के ऊपर हमला बोल सकती है। इस मिसाइल के एक वार से ही दुश्मन पूरी तरह राख हो जाएगा। आग के गोले की तरह भारतीय बेड़े से निकली यह मिसाइल इतनी खतरनाक है कि यह रूस व रूस के आसपास तक के सभी देशों को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की रेंज ही इसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जैसे अगर कभी भारत ने अपने किसी भी दुश्मन की तरफ मुंह करके केवल तैनात ही कर दिया तो उसके बाद दुश्मन कुछ भी बोलने के लायक नहीं बचेगा। सूर्या मिसाइल भारत की एक इंट्रा कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी, जो कि अपने दुश्मन के ऊपर 27 मैक की स्पीड से हमला कर सकती है। जी हाँ,
27 मैक यानी कि 33,100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह मिसाइल अपने दुश्मन के ऊपर निशाना साध सकती है। इस मिसाइल को इतना खतरनाक बनाया जा रहा है कि जिस किसी देश से भी यह मिसाइल गुजरेगी वहां अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेगी। इस मिसाइल के खौफ से विश्व के शक्तिशाली देश भी भारत से गलती से भी पंगा नहीं लेंगे। इस समय भारत के पास सबसे खतरनाक मिसाइलों की अगर बात करें तो उनमें ब्रह्मोस, अग्नि के कई अलग अलग वेरिएंट सहित कई अन्य मिसाइलें शामिल हैं, जो कि चीन और पाकिस्तान की बोलती बंद करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इस बार भी जब भारत ने फरवरी में अपने मिसाइल का परीक्षण किया था तो ऐसे में चीन काफी डरा हुआ था, और यह डर चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी साफ देखा जा सकता है। DRDO की अग्नि मिसाइल की सीरीज को देखते हुए यह कंफर्म हो गया है कि DRDO ने अपनी अग्नि 6 मिसाइल को भी तैयार करके रख लिया है, जिसका परीक्षण भारत में जल्द ही हो सकता है। और इस समय चीन को इसी बात से बेहद डर लग रहा है। जी हाँ, भारत की अग्नि 6 मिसाइल के परीक्षण की बात सुनकर चीन और पाकिस्तान खुद को संभाल नहीं पा रहे। लेकिन इसका परीक्षण कब होगा इसके बारे में तो कोई भी अपडेट नहीं है, पर फिलहाल ये मिसाइल DRDO ने बना ली है और इस समय DRDO ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहा है, जिसे कि जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा। इस बार जिस ब्रह्मोस को तैयार किया जा रहा है वह अपने दुश्मन पर 800 किलोमीटर की रेंज तक निशाना साधने में सक्षम होगी, और पाकिस्तान जो कि खुद को न्यूक्लियर पावर देश बताता है वह तो अब ब्रह्मोस से ही कांपने लगा है। तो ऐसे में अगर उसके सामने अग्नि 6 या फिर सूर्य मिसाइल को खड़ा कर दिया जाएगा तो उसके बाद वो बचेगा या फिर नहीं, इसके बारे में तो आप खुद ही सोच सकते हैं। लेकिन अभी सबकी नजरें सूर्य मिसाइल पर टिकी हुई है, और सूर्य मिसाइल अब तक की विश्व की सबसे खतरनाक मिसाइल होने वाली है। लेकिन इसको भारत में बेहद ही शांति से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि भले ही 12,000 किलोमीटर या फिर इससे अधिक रेंज वाली कोई भी मिसाइल बनाना भारत की DRDO टीम के लिए गर्व की बात हो सकती है, लेकिन ये बाकी देशों के लिए बेहद ही दिक्कत की बात होने वाली है। सूर्य मिसाइल वो मिसाइल है जिसके बराबर की कोई भी मिसाइल अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है। तो हो सकता है कि जब भी यह बात विदेश तक पहुंचे कि भारत अपनी सूर्य मिसाइल पर काम कर रहा है और उसमें सभी खतरनाक तकनीकों का इस्तेमाल करके उसकी मारक क्षमता को इतना अधिक बढ़ा रहा है, तो ऐसे में बाकी सब देश भारत के विरोध में आ जाएंगे और भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात करने लगेंगे। और फिर चीन तो कितनी बार भारत में बनने वाले हथियारों को रोकने के लिए आवाज उठा चुका है, हालांकि अभी तक उसकी किसी भी बात को कोई भी विदेशी देश सीरियसली नहीं ले रहा है। लेकिन उठती हुई ताकतों को हर कोई रोकना चाहता है, तो हो सकता है कि भारत में बनने वाले हथियारों के साथ भी ऐसा ही हो जाए और फिर भारत की सभी मेहनत बेकार चली जाए। इसलिए भारत अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी जानकारी बाहर नहीं दे रहा है। लेकिन जो भी हो, अगर ये खतरनाक मिसाइल एक बार भारत में बन गई तो इससे भारतीय सेना को और भी मजबूती व शक्तियाँ मिल जाएंगी और भारत की सुरक्षा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। पर आपको क्या लगता है, आखिर भारत में सूर्य मिसाइल पर काम किया जा रहा है या फिर नहीं? और फिर अगर भारत ने सूर्य मिसाइल पर काम शुरू भी कर दिया है तो भला भारत अपनी इस मिसाइल का परीक्षण कब करेगा? आखिर इस मिसाइल से दुश्मन को कितना खतरा हो सकता है? क्या वास्तव में यह मिसाइल चीन और पाकिस्तान की धज्जियों को उड़ाने में सक्षम होगी? इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।